अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वैसे आज तो आपने कमाल ही कर दिया भाई साहब, सब घर वालों के सामने आप सुपरमैन बन गए और अब यहाँ अकेले बैठकर दीवारों के बीच में चुपचाप अपने दर्द के लिए दवाई खा रहे हैं। देखो तो कौन सी है, मानना पड़ेगा। आप इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हैं? भाई साहब मैंने सोचा क्यों ना जाकर मैं आपकी चोट पर थोड़ा मलहम लगा दूं। वैसे चोट देखनी जरूरी थी ना, असली है या नकली। अगर असली होगी तभी तो मलहम काम करेगा। मानना पड़ेगा भाई साहब, चोट तो एकदम असली। लेकिन आपके ये घड़ियाल के मगरमच्छ के जो आंसू थे, वर्ल्ड क्लास ड्रामा था, वो सब क्या था मैं तो ये जानने आई, वो असली है या नकली? क्या कहना चाहती हैं आप? वाह भाई साहब वाह, क्या हृदय परिवर्तन है, वाह। इससे पहले कि मैं खुद पता लगाऊं कि आपने ऐसा कौन सा खेल खेला है जिससे आपने उस शुभ और घर वालों को अपने झांसे में ले लिया, भाई साहब आप ही मुझे बता दीजिए ना। वैसे आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने सबके साथ छल किया है? अरे भाई साहब बता भी दीजिए ना, क्या आपने क्यों छल किया है ये तो मैं जानना चाहती हूँ। वैसे तुमने मेरी नीयत को सही समझा, मैं वही ब्रजेश हूँ। सारे घर वाले कन्निका दादी शुभ शकुन सब मेरे झांसे में। क्या कहा था तुमने, मेरा वर्ल्ड क्लास ड्रामा देख के सबको मैंने बेवकूफ बना दिया, यही सुनना चाहती थी ना तुम? मगर अफसोस मैं बोला ब्रजेश नहीं रहा। कल जो हुआ उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। परिवार क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, मुझे समझ में आ गया। अफसोस की बात तो यह है कि मुझे यह समझने में इतना देर लग गया। वाह भाई साहब वाह, आज तो ना वर्ल्ड की हिस्ट्री में इस घर का सबसे बड़ा शैतान बन गया है साधु। जय जय भाई साहब, जय जय भाई साहब। अरे शकुन तुम यहाँ? अरे खाना लेने की क्या जरूरत थी? क्यों फूफा जी, मैं नहीं ला सकती। ऐसी बात नहीं है, मैंने सोचा कि तुम्हारी बुआ भी आ जाएगी तो साथ में खाना खाएंगे। वो एक्चुअली बुआ नीचे खाना खा रही थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको आके दे जाती हूँ, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो कैसा लगा मेरा ये वर्ल्ड क्लास ड्रामा? मैं जानती थी आप कभी नहीं सुधर सकते भाई साहब। पहली बार देख रहा हूँ, सुना था कि लोग सांप को दूध पिलाते हैं, शुभ शगुन तो सांप को खाना खिला रहे हैं। बेवकूफ लोग हैं भाई साहब, बिल्कुल बेवकूफ लोग। चलो उन्हें जाने देते हैं। जिस चीज के लिए तुम इतनी उतावली हो रही हो मैं जानता हूं, बता देते हैं आपको। ये झूमर का घिरना एक इत्तेफाक नहीं था, वो मेरी एक साजिश थी। Hey! Ha 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 ha!
ये सब लोग अपनी ताकत भी लगा दें तो मुझे हरा नहीं सकते हैं। शगुन को मैंने कमरे में आते हुए देख लिया था, इसलिए अपने पासा बदल दिया। वाह भाई साहब वाह, मानना पड़ेगा कि आप कितना मास्टरमाइंड हैं। पर आप मुझे ये बताइए, ये शुभ नाम की मुसीबत का क्या करना है? मैं शुभ को मारकर जेल नहीं जाना चाहता, इस बार कुछ अलग होगा। मैं शुभ से उसका वजूद छीनूंगा और उसके साथ साथ उसकी दौलत, पैसे, जायदाद, सब कुछ। शुभ ऊपर नहीं जाने वाला, इस बार सीधे मेंटल हॉस्पिटल जाएगा। अच्छा भाई साहब, वैसे भाई साहब झूमर का गिरना तो नाटक, लेकिन ये चोट ना एकदम असली और इसका असर सीधे वो उधर 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 आपके दिमाग में हुआ है। देखिए ना कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप। अगर आप शुभ को मेंटल हॉस्पिटल भेज देंगे तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन कौन है? उसकी पत्नी शगुन। कुछ हाथ नहीं लगेगा आपके। लगता है कि तुम बादाम नहीं खाते। खाया कर, तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा तेज रहेगा। मतलब मैं समझी नहीं। मैं नहीं, लगता तुम भूल रही हो। शुभ की माँ तो एक ही पत्नी है, वो है नैना। इसका मतलब समझ रही हो? जब रिश्ता ही लीगल है तो प्रॉपर्टी शगुन के पास कैसे जाएगी है? ये ले हलवा खा, खा कर बता कैसे बना है। सुबह सुबह हलवा कौन खाता है बुआ? नव्या खाओ। ठीक है, आपने बनाया तो टेस्ट कर लेती हूँ। इतना अच्छा हलवा, लव्ड इट बुआ, बहुत अच्छा बना। सच बोल रही है? सच में। थैंक यू सो मच बेटा। शुभ देश और दुनिया से बाद में जुड़ते रहना, पहले गर्मा गर्म हलवा खा और बता कैसे बनाए, जल्दी कर। हलवा? हाँ ठीक है। अरे इतना सस्पेंस, जल्दी कर। किसने बनाया ये? बाहर आओ। मैंने बनाया। क्यों? ये हलवा है? हाँ। इतना अच्छा हलवा कौन बनाता है? क्या धूप दे रही हो? सुनो ना, ये छोड़ो, बहुत भगवान की याद कर लिया, ये खाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती। अरे बहुत अच्छा है, मुझे बहुत काम है अभी। अरे अरे, एक चम्मच से क्या होगा, आप बाद में कर लेना। हम बहुत ज्यादा, मैं नहीं। प्लीज एक एक चम्मच ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बुआ जी फाइन, रिलैक्स, जाने दो। तुम्हें मेरे हाथ से नहीं खाना था तो प्यार से बोल देना। घर वालों के सामने तमाशा बनाने की क्या जरूरत? मैं साफ कर देती हूँ। शुभ क्या करता है? शगुन छोड़ दो बेटा, वो कर ली। हुआ क्या है बताओ ना। शुभ इतना प्यार से तुम्हें हलवा खिला रहा था, तुमने खाया क्यों नहीं? कुछ प्रॉब्लम है? मेरा व्रत है बुआ, एक्चुअली घर में इतना सब कुछ हो गया है तो घर की सुख शांति के लिए मैंने व्रत रखा है। जन्माष्टमी तक चलेगा, पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना। जन्माष्टमी तक चलेगा? जन्माष्टमी के लिए तो अभी 4-5 दिन बाकी है, इतना मुश्किल व्रत क्यों रखा? अरे कनिका बहुरिया ने ये व्रत लल्ला की सलामती के लिए रखा है, इसे बुरी शक्तियों से सुरक्षित करने के लिए रखा है। हाँ माँ जी, पर इतनी बड़ी तपस्या। देखा जीजा जी, मेरी ताई आपसे कितना प्यार करती है।
और आप कितने लकी हैं कि मेरी ताई जैसी आपको पत्नी मिली है। आज से तुम शुभ जायसवाल की बहन बनकर नहीं युग शिंदे की बीवी बनकर रहोगी। मैं भी अपने आप को शकुन की तरह बना कर रहूंगी। अच्छा तो अपने हस्बैंड की केयर और हैप्पीनेस के लिए हर कोई फास्ट रखता है? मैं भी रखूंगी फास्ट। नव्या रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों, मुझसे क्यों नहीं हो पाएगा? मैं बेटा तुझे बचपन से जानता हूँ, इसे एक वक्त का खाना ना मिले ना ये घर तो क्या पूरा शहर सर पे उठा लेती है। पर मैं ट्राई करूंगी ना, मैं कंट्रोल करूंगी इस बार खुद पर। नव्या तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, घर का एक इंसान व्रत रखे ना वो बहुत होगा। ठीक कह रही मेरी ताई, इसकी कोई जरूरत नहीं नव्या। फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।